नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्रीय संगीत विद संजना में। आज हम राग खमाज का पूर्ण परिचय जानेंगे। इस राग की रचना खमाज थाट से मानी गई है। इसके आरोहों में ऋषभ यानी रे वर्जित है और अवरोहों में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति षाड़व संपूर्ण है। इसके आरोहों में शुद्ध और अवरोहों में कोमल निषाद यानी नी प्रयोग किया जाता है। शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर गांधार यानी गा है और संवादी निषाद यानी नी है। गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। आइए अब इस राग की कुछ विशेषताएं जानें। यह चंचल प्रकृति का राग है, अतः इसमें छोटा ख्याल, ठुमरी और टप्पा गाया जाता है। इसमें विलंबित ख्याल गाने का प्रचार नहीं है। वादन में मसीद खानी और रजा खानी अर्थात विलंबित और द्रुत दोनों प्रकार की गते बजाई जाती हैं। कल्याण राग के समान यह भी एक आश्रय राग है। इसके आरोहों में ऋषभ वर्जित है, किंतु ठुमरी गाते समय कभी कभी आरोहों में ऋषभ प्रयोग करते हैं। केवल इतना ही नहीं, सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं कहीं अन्य रागों की छाया भी दिखाते हैं। अवरोहों में धा से पा पर ना जाकर अधिकतर मध्यम पर चले जाते हैं, जैसे नी धा मापा धा मागा। इसी प्रकार कभी कभी अवरोहों में प वक्र प्रयोग किया जाता है। न्यास के स्वर हैं सा गा और पा, यानी इन स्वरों पर अधिक ठहराव होता है। मिलते जुलते राग तिलंग। आइए अब इस राग के आरोह अवरोह तथा पकड़ जाने। आरोह सा गा मा पा धा नी सा। अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा। पकड़ नी धा मा पा धा मा गा पा मा गा रे सा।